हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ कब अच्छे होंगे आई एम नवीन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स और इस वीडियो में करने वाला हूँ क्लास टेन चैप्टर कोऑर्डिनेट जोट्री का एमसीक्यू जो कि मैंने आडी शर्मा से लिया है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है इफ पॉइंट्स टी कॉमा टू टी माइनस टू सिक्स एंड थ्री वन आर द कॉलिनियर देन टी इक्वल टू तो यहाँ पर हमें तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें ये बताया कि ये पॉइंट जो है कॉलिनियर हैं तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है और यहाँ हमें चार ऑप्शन दिए हैं तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन में चलते हैं तब हम उन्हें क्या बोलते हैं कॉलिनियर बोलते हैं और अगर पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में ना चले जिगजैग मैनर में चलें तीन पॉइंट जैसे जिक्जग मैनर में चलें तो ट्राइंगल फॉर्म करते हैं वो अगर हम उन्हें ज्वाइन कर दें आपस में तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे और हम ये मानकर चलेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो जीरो है क्योंकि इन पॉइंट से अगर तीन पॉइंट जो कि कॉलिनियर हैं और उससे जो ट्राइंगल बनेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी मतलब जीरो के इक्वल होगी देखिए वैसे एरिया ऑफ ट्राएंगल जो है वो ये होता है तो यहां पर हम ये मानकर चलेंगे कि अगर तीन पॉइंट जैसे कि ए बी सी तीन पॉइंट्स हैं और अगर वो कॉलिनियर हैं तो हम उसके यूज करेंगे ये फॉर्मुला तो यहां पर देखिए ये और ये सेम है बस इसमें यहाँ वन बाय जो है वो यहां नहीं है ठीक है और एरिया ऑफ ट्राएंगल को हम जीरो मान रहे हैं तो ये वन बाय टू कहाँ गया अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें एरिया ऑफ ट्राएंगल जीरो है हमारा तो जीरो इंटू टू करें तो ये जीरो हो जाता है ये पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे तो आप ये वाला फॉर्मला यूज करेंगे निकालने के लिए तो हम ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है इसका यूज करके अब आंसर को निकालते हैं तो देखिये मैंने यहाँ पर फॉमला लिख लिया है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ये मेरा x1 है y1 x2 y2 x3 और y3 इसके अकॉर्डिंग मैं इसमें पुट कर लूंगा फॉर्मले में तो सबसे पहले है मेरे पास x1 तो यहाँ x1 वन देखे तो क्या है मेरे पास t y2 y2 देखें देखे तो क्या है सिक्स उसके बाद माइनस के वाई थ्री देखें तो ये है वन प्लस एक्स टू एक्स टू देखे तो क्या है हमारे पास माइनस टू उसके बाद वाई थ्री देखें तो है वन और उसके बाद वाई वन देखें तो ये है माइनस लगा के टू टी प्लस अब एक्स थ्री देखें तो एक्स थ्री है यहाँ पर मेरे पास थ्री और y1 y1 देखें तो है 2t फिर माइनस का साइन फिर y2 देखें तो है ये 6 इक्वल टू ज़ीरो अब जैसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए सबसे पहले ये सिक्स में से वन गए फाइव फाइव को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा फाइव टी अब ये प्लस माइनस 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 टू अब इसको मैं इज उतार देता हूँ प्लस यहाँ पर थ्री अभी इज उतार के अगले स्टेप में करता हूँ मैं इसको इजिकल टू ज़ीरो तो यहां पर फाइव टी माइनस टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू और माइनस टू को माइनस टू टी से करेंगे तो प्लस फोर टी उसी तरह से यहां पर टू थ्री को टू से करेंगे थ्री थ्री टू से सिक्स सिक्स और यहाँ पे थ्री सिक्स जा यहाँ पर एटीन माइनस का इजिकल टू ज़ीरो अब यहाँ देखिए फाइव टी फोर टी और सिक्स टी अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो मेरे पास बच जाता है यहाँ पर फिफ्टीन टी उसके बाद देखिए माइनस एटीन और माइनस टू तो ये हो गया माइनस ट्वेंटी तो मैंने न्यूमेरिकल्स को अलग सॉल्व करा है और यहाँ पर टी वाले को अलग सोल्व करा है ठीक है ये इजिकल टू ज़ीरो के बराबर है तो यहाँ पर फिफ्टीन टी इज टू ट्वेंटी उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो जीरो प्लस ट्वेंटी हो जाएगा ट्वेंटी तो टी इज इकल टू ट्वेंटी अपॉन में फिफ्टीन तो ये फाइव के टेबल से कट रहा है तो फाइव फोर जा ट्वेंटी और फाइव थ्री जा फिफ्टीन तो फोर बाय थ्री जो है वो इसका आंसर है तो फोर बाय थ्री अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है वो इसमें बिल्कुल राइट है तो इसी तरह के और क्वेश्चन आर डी शर्मा के देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन नए क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए गुड बाय Yeah.